नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। समस्त कार्मिक और विद्यार्थी होंगे उपस्थित, करवानी होगी गतिविधि। तो जो 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा वो आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के रूप में मनाया जाएगा। आदेश जारी हो चुके हैं इस संबंध में। समस्त कार्मिकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं आदेश कौन सा है। यहाँ पर जो हमारे पास आदेश है, दिनांक 23/5/2022 को जारी किया हुआ। विषय है 21 जून 2022 को आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत कराए जाने बाबत। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो समस्त विद्यालयों में मनाया जाएगा, जिसमें विद्यालय के समस्त कार्मिक और विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित होकर योगाभ्यास करेंगे। उक्त दिवस हेतु मई जून 2022 की अवधि के दौरान फिट इंडिया आंदोलन के तहत निम्न सलाह दी जाती है। तो यहाँ जो फिट इंडिया आंदोलन के तहत जो सलाह है वो पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य योग प्रोटोकॉल, योग के विभिन्न आसन सीखें। दूसरा यहाँ पॉइंट है, समस्त विद्यार्थी एवं कार्मिक प्रति दिन प्राणायाम, ध्यान, माइंडफुलनेस गतिविधियाँ करें, देशभक्ति गीतों पर लयबद्ध योग करें एवं इसे स्टोरी के रूप में फिट इंडिया मोबाइल ऐप पर साझा भी करें। योग और व्यायाम को दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए समस्त शिक्षक और विद्यार्थी सरल योग, स्ट्रेचिंग, हाथ के व्यायाम और प्रार्थना सभा के दौरान करवाएं जाएं। सबसे अंतिम जो पॉइंट है, दिमागी खेलों जैसे कि शतरंज है, सुडोकू है, पहेली सुलझाना है, इस प्रकार के खेलों के ऊपर विशेष ध्यान दिलाया जाए। तो ये जो योग दिवस है ये 21/6 को मनाया जाएगा। साथ ही एक और आदेश हमारे पास है, जिसमें 21 जून 2022 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के रूप में आयोजित कराने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो सलाह है वो एज इट इज है, लेकिन ये आदेश अलग है। तो यहाँ पर हमको ध्यान ये रखना है कि 24 जून है वो शिक्षकों के लिए प्रथम कार्य दिवस होने वाला है और 21 जून को ही यहाँ स्कूल ओपन हो जाएंगी। 21 जून को जो योग दिवस है वो आयोजित किया जाएगा, इसलिए शिक्षक साथी 21 जून को अपने विद्यालय में उपस्थित होकर जो योगाभ्यास है वो करवाएं। साथ ही जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी इसमें शामिल करना जरूरी है। साथ ही ध्यान ये देना है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी भी पालना इसमें सुनिश्चित करवाई जानी आवश्यक है। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में कुछ विशेष पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।